लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, सदर लोकसभा से भोजपुरी स्टार रविकिशन शुक्ला की ऐतिहासिक जीत और नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनने की खुशी में शुक्रवार को थोक वस्त्र व्यवसायी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश निबानी के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने चंदलोक कुष्ठ आश्रम बेतियाहाता में मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। राजेश निबानी ने कहा कि मोदी जी की जीत की खुशी में कुष्ठ आश्रम में मिठाई बांटी जा रही है। यह जीत ऐतिहासिक है, गरीबों की जीत है। प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए जितना काम किया है उसके लिए हम लोग उत्साहित हैं। इस दौरान चंद्रकेश निगम, मनीष सर्राफ, चंदन अग्रवाल, मनोज कश्यप, संदीप शर्मा, अजय सिंह सहित सोसाइटी के सहयोगी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश निभानी ने कहा, ये पकड़ाइए। भैया भैया आप क्या कर रहे हो? रिक्ति बनाई तो जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से विजयी हुए हैं। इस खुशी में हम लोगों ने कुष्ठ आश्रम बेतिहाता में मतलब मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया, क्योंकि मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत किया है। शौचालय बनवाया है, 2.5 लाख रुपए दे करके उनका मकान बनवाया है। तो इसलिए हम लोगों की सच्ची वो है कि कम से कम योगी जी और मोदी जी ने जितना गरीबों के लिए किया है तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे कुष्ठ आश्रम में आकर के उनकी खुशी को और दुगना करें। तो इसलिए हम लोगों ने खाली कुष्ठ आश्रम को चुना। दुनिया समाज तो रोड पे सब जगह मिठाई बांट रही है, लेकिन हम इन गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग का ध्येय यही है कि हम लोग इन कुष्ठ आश्रम में आके इन गरीबों के साथ जो मिठाई बांट करके खुशी बांटी गई है, इसका मजा ही कुछ और है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, मिठाइयाँ बांटी, लड्डू बांटा है।